महीनों से लापता एक नाबालिग लड़की का पता गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार मानव तस्करी विभाग ने सीडीआर की मदद से खोज निकाला। यह कार्रवाई नागपुर शहर के अपर पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच विभाग नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में पूरी की गई। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से लापता नाबालिग लड़की को आखिरकार नागपुर शहर के अपर पुलिस आयुक्त गुना शाखा नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त गुन्हे शाखा चिन्मय पंडित, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नंदा मनगडे, सहायक पुलिस निरीक्षक गजानन चांभुरे, निरीक्षक रेखा सपकाड़ आदि ने खोज निकाला। आपको बता दें कि फिरियादी गिट्टी खदान निवासी ने अपनी लड़की की शिकायत 4 महीने पहले ही गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में की थी। बावजूद इसके 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी लड़की का कोई पता नहीं चल रहा था, जिसके बाद उसने आला अधिकारियों को इस मामले की शिकायत की। आखिरकार वरिष्ठों के मार्गदर्शन में अनैतिक मानवीय वाहतुक प्रतिबंध कक्ष क्राइम ब्रांच नागपुर शहर इन्होंने इस मामले में दखल लेकर इस मामले का खुलासा किया। 2021 ही मुलगी होती, ती पडून गेली होती मुलासोबत, तेव्हा गुन्हा दाखल झालेला होता। 1 वर्षापासून शोध मोहीम सुरू होती, आपण वारंवार त्यांचे जे मोबाईल लोकेशन घेत होतो, तर नंतर आता आपल्याला रिवा MP लोकेशन भेटलं, त्यामुळे AS2 टीम तिथे गेली आणि त्या मुलीला घेऊन काल रात्री त्यांनी आणलेलं आहे। आणि आता संबंधित जे पोलिशन आहे, गिट्टी गदांची घटना ही गिट्टी गदान पोलिशांना हँडओव्हर केलेलं आहे। नाही, आरोपी मुलगाच आहे, ज्या मुलावर तिचं प्रेम होतं त्या मुलासोबत गेली होती तोच मुलगा आहे। हे प्रेम प्रकरणातूनच ते गेलेली होती आणि प्रेम प्रकरणातून जी मुलगी गेली होती त्याच संबंधाने आपण तिला आणलेलं आहे आणि सध्या ती अजून मायनरच आहे। सदरची कारवाई टीममध्ये आमचे जे API गजानन चांभारे, ज्ञानेश्वर डोके आणि NPCG आरती चव्हाण आणि ड्रायव्हर जे शरीफ शेख हे गेले होते, 4 लोक जाऊन यांनी कारवाई करून व्यवस्थित मुलीला घेऊन आलेले। NBC न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।